वैकेंसी है 50,000 लेकिन नहीं कर सकते आवेदन। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। और आज मैं बात कर रहा हूँ आंगनवाड़ी के बारे में। दोस्तों, सरकार ने जो आंगनवाड़ी की वैकेंसी निकाली है, लगभग वो 50,000 प्लस वैकेंसी हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्टली आंकड़ा है, इसका मैं प्रूफ दे सकता हूँ। इसका प्रूफ उन्हीं के सचिव के हाथों में दिलवा सकता हूँ, जो कि लेटर मिला है, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि वैकेंसी है 50,000 लेकिन नहीं कर सकते आवेदन। अब इसका कारण क्या है कि वैकेंसी तो सरकार ने 50,000 निकाल दी, लेकिन आप आवेदन क्यों नहीं कर सकते? तो पहली चीज तो ये है दोस्तों, अगर आपके पास आय का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ यूपी के 8 जिलों में ये वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप यूपी के 8 जिलों में आते हैं तब आप आवेदन कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। कौन कौन से वो 8 जिले हैं, कितने का इसमें आय सर्टिफिकेट चाहिए, वो सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और साथ ही साथ जान लेते हैं कौन कौन से 8 जिले हैं, कहीं आपका जिला तो नहीं है, कहीं आपका गांव तो नहीं है जिसमें आप आवेदन करने से वंचित रह जाएं। 27 तारीख से दोस्तों इसमें आवेदन शुरू हो चुके हैं, यानी कि 27 मार्च से 16 अप्रैल तक इसमें आवेदन चलेंगे। अगर कोई आपके पास डॉक्यूमेंट्स कम है या फिर आपका जिला उसमें आता है जिसमें वैकेंसी निकली हुई है, तो आवेदन आप जल्दी से कर दें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो सारी कुछ आपको मिल जाएगी, उसमें वीडियो पहले ही मैं बना चुका हूँ। जो 8 जिले हैं उनके भी नाम बताऊंगा और कितनी आपको आय चाहिए होगी, तब आप आवेदन कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे, वो भी डिटेल में बताऊंगा। और दूसरी बात करूंगा, गांव के लिए या फिर शहर के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये भी मैं बताऊंगा कि आप इसमें शहर में आवेदन कर सकते हैं या गांव में आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि इसमें आवेदन दोनों जगह से आप कर सकते हैं, अगर आप शहर में रहते हैं तब भी और गांव में रहते हैं तब भी। लेकिन गांव वालों के लिए कितनी आय जरूरी है और शहर वालों के लिए कितनी आय जरूरी है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। फिर से एक बार कह दूं कि आय सर्टिफिकेट इसमें होना जरूरी ही जरूरी है, अगर नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देख लेते हैं क्या क्या इसमें डिटेल्स हैं। दोस्तों, ये कुछ ही कैटेगरी के लिए वैकेंसी निकली हुई है, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है जिनकी आय जो है ना वो लगभग 40,000 से नीचे होगी। अगर किसी की 40,000 से आय ऊपर है तो वो आवेदन नहीं कर सकता है। किस तरीके से आवेदन होगा, और सिर्फ 8 जिलों में वैकेंसी निकली हुई है, तो देख लेते हैं 8 जिलों में आपका जिला है या नहीं है, आपका गांव है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे वो भी हम बताएंगे, आपके गांव में वैकेंसी है या नहीं है वो भी हम बताएंगे, सारा कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अच्छी और सच्ची जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आ गए हैं आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आ गए हैं गूगल पर। और गूगल में जैसे ही हम टाइप करते हैं सरकारी रिजल्ट, दोस्तों मैं डायरेक्टली आपको लिंक दिखाता हूँ सरकारी रिजल्ट। जैसे ही हम सरकारी रिजल्ट टाइप करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे ये कॉलम बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये जो कॉलम है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, सबसे नीचे वाले फर्स्ट रो में ही है आंगनवाड़ी, यूपी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ऑनलाइन एप्लीकेशन 2021, ठीक है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं वैसे ही हमारे पास एक फॉर्म खुल के आ जाता है, और ये पूरा फॉर्म जो खुल के आएगा दोस्तों, उसमें सारा डिटेल वाइज बताया गया है कि कौन कौन सी कैटेगरी है। बहुत मुश्किल आने वाली है दोस्तों आपको इसमें अप्लाई करने में। दोस्तों देखिए, 50,000 वैकेंसी है, ये पूरी जो पोस्ट है लगभग 50,000 है। पहले 53,000 बोला था, फिर 3500 पोस्ट निकाली थी, 3500, और उसके सॉरी 3300 निकाली थी, उसके बाद ये पूरे 50,000 पोस्ट हैं आंगनवाड़ी के लिए हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं इसमें आपका गांव है नहीं है। इसमें दोस्तों आप देखेंगे जो एप्लीकेशन है वो 27 तारीख से शुरू होके 27 तारीख से शुरू हुआ है, और ये 16/4 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। 16/4 को आपको फाइनली भरना है। इसमें दोस्तों आवेदन के लिए कोई भी फीस जमा नहीं होनी है, कोई भी कैटेगरी का इसमें भर सकता है, वो 0 रुपये में जमा होगा। अगर कहीं आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कराते हैं तो वो उसकी सिर्फ उसकी फीस जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसमें एज कितनी चाहिए। एज चाहिए दोस्तों इसमें 21 से 45। अगर किसी लेडीज की एज 21 साल है
तो वो भर सकती है, और उसकी एज 45 से कम है तो भी वो भर सकती है, अगर 45 तक है तो। दोस्तों इसमें एक बात हो रहा है, आपकी ये चाहे 21 है चाहे 45 है, आपको 62 साल में इसमें रिटायरमेंट मिल जाता है। इसका मतलब जितनी आपकी कम उम्र होगी उतनी ज़्यादा नौकरी करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने पोस्ट पहले भी दिखाई, ये पोस्ट यहाँ पे हैं 50,000+ पोस्ट हैं लगभग। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों इसमें कैटेगरी वाइज देख लेते हैं, इसमें आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी वर्कर के लिए हाई स्कूल पास होना जरूरी है किसी भी बोर्ड से, भारत के किसी भी बोर्ड से। और मिनी आंगनबाड़ी, इसको भी हाई स्कूल पास होना जरूरी है। लेकिन जो आंगनबाड़ी हेल्पर हैं दोस्तों, ये जो आंगनबाड़ी हेल्पर हैं इनको 5वीं पास होना जरूरी है, सिर्फ इनको 5वीं पास होना जरूरी है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया सिर्फ 8 जिलों में वैकेंसी है ये। अभी जो जिले सिर्फ और सिर्फ शो कर रहे हैं वो 8 जिले कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आगरा, अम्बेडकर नगर, अमेठी, फिरोजाबाद और हाथरस, मऊ, सहारनपुर, ये 8 जिले हैं दोस्तों। अगर इनमें आपका जिला आता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक ट्विस्ट और है, इसमें यहाँ पे लिखा है मोर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम नोटिफिकेशन अवेलेबल सून, मतलब जो और डिस्ट्रिक्ट इसमें ऐड होने वाले हैं वो अभी और नोटिफिकेशन में आने वाले हैं, वो अभी और भी आएंगे, तो हो सकता है इसकी डेट बढ़ भी जाए। अब दोस्तों मेन जो पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है। दोस्तों आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, बाल विकास अधिकारी की तरफ से ये जो निकली है, आपके पास फोटो आईडी वगैरह होनी चाहिए, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। अगर नहीं आपने वो वीडियो देखी है तो मैं उसमें आपको इसमें लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके आप चेक कर लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जरूरी चाहिए होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें नोटिफिकेशन की, जो मेन नोटिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें कौन और कौन अप्लाई कर सकता है, बहुत ही टेढ़ी खीर है दोस्तों, थोड़ा मुश्किल है। इसमें वैकेंसी तो निकाली है लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम भी इसमें क्रिएट की गई है। तो इसमें दो कैटेगरी में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज तो अगर आपके पास आय का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप भूल जाओ इस वैकेंसी को। अगर आपके पास आपके पति के नाम का आय का सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर कुछ ऐसे भी कैटेगरीज होते हैं जिनका पति नहीं होते तो उनके पास खुद का होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, सारी डिटेल उसमें दे रखी है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें मैं बताऊँ आपको आय का सर्टिफिकेट जरूरी होना चाहिए, और उसमें आय कितनी होनी चाहिए आपकी, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, तो गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है दोस्तों, ये वाला कॉलम जैसे भी आप देखेंगे, ये जो कॉलम है दोस्तों इसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो डिसाइड किया है, अगर आप ग्रामीण एरिया में रहते हैं तो आपकी जो आय है वो 46,000 से कम होनी चाहिए, आय का जो सर्टिफिकेट है वो 46,000 से कम होना चाहिए। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपका जो आय का सर्टिफिकेट है वो 56,400 से कम होना चाहिए। अगर इतने से कम है तब तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर इतने से ऊपर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर इतना भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेना दोस्तों, अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन तो मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप सारी सूचना इसमें पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं, जैसा चाहें आप वैसे पढ़ सकते हैं, आपको सारी सहूलियत इसमें मिल जाएगी दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं इसमें जो आपको मिलेंगी, और थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है क्योंकि इसमें सारी कैटेगरीज के लिए नहीं निकाली गई है। हाँ, अगर किसी के पति नहीं है तो वो उनका सर्टिफिकेट दे के अप्लाई इसमें कर सकते हैं, अगर किसी के पति ने उन्हें छोड़ दिया है, ऐसी भी कंडीशन होती है दोस्तों, अगर किसी के पति ने उन्हें छोड़ दिया है तो फिर भी वो एक आवेदन कर सकती हैं, अगर कोई विडो है फिर भी वो आवेदन कर सकती हैं, ये सारी कंडीशन इसमें है। तो दोस्तों फीमेल कैंडिडेट्स का होना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए निकली हुई है, ये सिर्फ लेडीज के लिए निकली हुई है। तो चलिए दोस्तों जैसा कि आपने सारी डिटेल्स देख ली, और मैं आपको दिखा दूं आगे, आपने इसमें सारी डिटेल्स देख ही ली है, तो जो जो भी इसमें जरूरी चीजें हैं वो चीजें मैंने आपको बता दी हैं। आप 27 मार्च से ये वैकेंसी शुरू होंगी, आपके पास जो टाइम है वो टाइम है आपके पास
16/4 यानी कि अगले महीने की 16 अप्रैल तक, 16 अप्रैल तक आपके पास टाइम है। अगर आप 16 अप्रैल तक अपना आय का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और वो 45,000 से नीचे है तब तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों ये ध्यान रखना, ये मैंने पहले भी वीडियो में आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। टोटल 50,000 प्लस वैकेंसी हैं, ये बढ़ भी सकती हैं, ये घट भी सकती हैं, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन इसकी जो टोटल डिटेल्स हैं वो अभी दी नहीं गई हैं, जैसे ही इसकी टोटल डिटेल्स आती हैं हम आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करा देंगे। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से आप अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या क्या जरूरी है इस वैकेंसी के लिए, वो सारा कुछ मैंने पहले ही बता दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। मैं दोस्तों बार बार ये चीज इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि जो भी आपके पास 15 से 16 दिन रह गए हैं, कुछ दिन तो दोस्तों दिवाली होली में निकल ही जाएंगे, लेकिन जो भी 15-16 दिन रह गए हैं उसमें ताकि आप अपने फॉर्म को फिल करा लें और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आप बनवा लें, तभी आप इसमें कुछ कर सकते हैं, वरना नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों मेन चीज इसमें ये है कि किस तरीके से आप अपने गाँव में देखें कि आपके गाँव में वैकेंसी है या नहीं है, तो सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है। तो चलिए देख लेते हैं, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, आपके गांव में वैकेंसी है या नहीं है वो भी मैं देख लेता हूँ। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि नेट थोड़ा स्लो चल रहा है उसकी वजह से खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए मैंने कुछ विंडोज आपको ऑलरेडी खोल के दिखा दी थी ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, वीडियो लंबी ना खींचे। तो देखिए दोस्तों ये है, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग, ठीक है, यहाँ पे रिक्तियों की डिटेल्स दे रखी है, यहाँ पे साफ साफ दे रखा है जनपद व परियोजना द्वारा सर्च कर आंगनवाड़ी रिक्तियों खोजें, मतलब आपकी जो रिक्तियां हैं कौन कौन से गांव में हैं वो खोज सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका आपका एक जिला है सहारनपुर या फिर हाथरस, मान लीजिए आपका जिला हाथरस है, ठीक है, हाथरस में आप रहते हैं, तो हाथरस का सबसे पहले आपको वार्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा है। वार्ड इसमें अभी नहीं दे रहा है, पहले ये फुल फिल कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं। परियोजना ब्लॉक का नाम आपको देखना पड़ेगा किस में आप करना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप गांव से हैं तो ये हास्यान गांव जो भी है, और फिर ग्रामीण या शहरी, ग्रामीण है सड़क पद का नाम, पद का नाम मिनी आंगनबाड़ी या फिर आंगनबाड़ी सहायिका जो भी आप लिख दें, ठीक है, या फिर आंगनबाड़ी जो भी आप करना चाहते हैं। अब दोस्तों क्योंकि मैं हाथरस से नहीं, मुझे नहीं पता वहां का ब्लॉक क्या होगा, मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप करके देख लेता हूँ, देख लेते हैं क्या आता है, ठीक है दोस्तों, अगर ये उससे मैच करेगा तो देगा, वरना फिर ये नहीं देगा। दोस्तों इस तरीके से आप सारा कुछ देख सकते हैं कि आपके एरिया में, सॉरी दोस्तों नॉट डाटा फाउंड दे रहा है, जैसे कि मैंने आपको आप दिखाया नॉट डाटा फाउंड दे रहा है, क्योंकि इसमें ब्लॉक पता होना बहुत जरूरी है, आपके एरिया पते होने बहुत जरूरी है, तभी आप इसमें पूरी डिटेल ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मेरा जो मकसद था सिर्फ समझाने का था, आपको समझ आ गया होगा। मैं इसका भी लिंक, इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जो पीडीएफ है दोस्तों, जो पीडीएफ है जो मैंने आपको पीडीएफ दिखाई थी उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो यहाँ से डिटेल्स आपको ये वाली हैं, ये वाली डिटेल्स आप देख सकते हैं, इसमें आपको सारा कुछ पता चलेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी, तो सारी डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो और आगे आप जानकारी इसके बारे में जानना चाहते हैं, पता करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को कमेंट करते रहिए, हमारे चैनल पे कमेंट करके ये बताते रहिए कि आपको कौन कौन सी चीजों के बारे में और जानना है, कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं जिसके बारे में आपको और जानना है, आप कहाँ से कैसे बनवा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हर चीज ऑनलाइन हो गई है दोस्तों, आसानी से आप पता कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पता कर सकते हैं कमेंट के द्वारा, मैं सभी की कमेंट करने की कोशिश करता हूँ रिप्लाई, लेकिन कभी कभी कुछ लेट भी हो जाते हैं, तो प्लीज उसको थोड़ा टाइम दीजिए, मैं हर एक की कमेंट रिप्लाई करूंगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों जाने से पहले फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अच्छी और सच्ची जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि औरों के पास भी जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद।